हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपये का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में
उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म ने सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म ने सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपरहिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपरहिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गड़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गड़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गड़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गड़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फ्यूचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्या देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फ्यूचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्या देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनल गढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म ने सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनल गढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है। उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में टिल्लू सीक्वल का रिलीज डेट टल गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ के सुपर हिट फिल्म डीजे टिल्लू 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा कर रख दिया था। लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को विमल कृष्णा ने डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म में लीड रोल में सिद्धू जुनलगढ़ा और नेहा शेट्टी और प्रिंस सेंसल नजर आए थे। इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल का ऐलान किया गया, जिसे नाम दिया गया टिल्लू सीक्वल। इस फिल्म में सिद्धू के साथ स्नेहा शेट्टी की बजाय अनुपमा परमेश्वर नजर आ रही है। इस तरह दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन बेताब है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। अब टिल्लू सीक्वल में सिद्धू जुनलगढ़ा और अनुपमा परमेश्वर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि इस फिल्म को बा मालिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को पहले 9 फरवरी 2024 को रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस फिल्म कई फिल्मों के क्लैश के वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें कि 9 फरवरी 2024 को रवि तेजा की फिल्म ईगल रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के क्लैश के वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट को टाल दिया गया है। निर्माता ने इस फिल्म का रिलीज डेट 29 मार्च 2024 फिक्स कर दिया है। इस तरह फैन को फिल्म को देखने के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टिल्लू सीक्वल एक आगामी भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मालिक राम द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट और फीचर फोर सिनेमास के बैनर तले सूर्य देवरा नागा वामसी द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 2022 में आई डीजे टिल्लू का सीक्वल है। टिल्लू सीक्वल में 27 साल की अनुपमा परमेश्वर नजर आएंगी। अनुपमा परमेश्वर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी है।
उन्होंने 2005 में प्रेमम से एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि प्रेमम में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी मिली थी।